दक्षिण हरियाणा की राजनीति में जोर आजमाइश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात करते हैं 2019 विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर 2014 में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भाजपा में शामिल हुए थे, तभी से लेकर पुराने व नए भाजपाइयों के नाम पर यहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से 2019 विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांग रहे प्रदेश उपाध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर अरविंद यादव की टिकट काटकर कहीं न कहीं राव समर्थक सुनील मुसेपुर को टिकट दी गई, उसके बाद से ही लगातार खटास बढ़ती चली गई। एक कार्यक्रम के दौरान राव इंद्रजीत व डॉक्टर अरविंद यादव के समर्थकों में काफी नोक झोंक भी देखने को मिली थी, और उसके बाद बात कही गई राव इंद्रजीत की ओर से बात कही गई कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कि भाजपा का विरोध प्रत्याशी थे विधानसभा के, जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कुछ दिन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष पद से डॉक्टर अरविंद यादव को हटाया गया, लेकिन करीब 2 साल के बाद एक बार फिर से उनको भाजपा हरको बैंक का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद लगातार राव इंद्रजीत की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी भाजपा ने उनको कहीं ना कहीं इनाम देने का काम कर लिया। और कहीं एक कार्यक्रम के दौरान 16 अगस्त 2022 को एक कार्यक्रम के दौरान राव इंद्रजीत ने यहां तक कह दिया था कि जय चंदो को पार्टी ने इनाम देने का काम किया है। इसके बाद से राजनीति, दक्षिण हरियाणा की राजनीति की बात करें, जो राव विरोधी खेमा लगातार मुखर होकर राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, अब 2 साल बाद क्योंकि डॉक्टर अरविंद यादव कहीं ना कहीं सीएम के करीबी और भाजपा संगठन में एक समय कहा जा रहा था कि हरको बैंक दो बार एक्सटेंशन मिलने के बाद उनको उस पद से हटाया गया और एक्सटेंशन नहीं दिया गया। ऐसे में राव खेमे की ओर से कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि उनका जो विरोध था वो रंग लाया, लेकिन एक बार फिर से ये विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अरविंद यादव को अब हरियाणा टूरिज्म का जो चेयरमैन बनाने की बात कही गई, और जो जो प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो टूरिज्म के जो मंत्री हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि डॉक्टर अरविंद यादव को टूरिज्म का चेयरमैन बनाया जाएगा, एक बार फिर से राव खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी छाई हुई है कि आखिर जिस तरह से 2019 विधानसभा के चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद यादव समेत जो पुराने भाजपा तमाम नेताओं पर जो चुनाव में विरोध करने के आरोप लगे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये जो तलवार है, कहीं ना कहीं जो विरोध की तलवार है, कहीं ना कहीं तीखी नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, अब रेवाड़ी की बात कर ले तो लगातार जिस तरह से पुराने व नए भाजपाइयों के बीच में जोर आजमाइश ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि बावल अभी एक दिन पहले की बात करें तो बावल ब्लॉक समिति चेयरमैन उप चेयरमैन और धारूहेड़ा चेयरमैन उप चेयरमैन चुनाव में भी ये बात सामने आ चुकी है, और कहीं ना कहीं इसमें भी राव को ही घेरने का काम किया गया। ऐसे में देखना होगा कि संगठन स्तर पर जिस तरह से संगठन को मजबूत होना चाहिए था, इकट्ठे होकर काम करना चाहिए था, उस स्तर पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और जो रेवाड़ी भाजपा है पुराने और नए भाजपाइयों में बटी हुई नजर आती है। क्या पार्टी इस पर कोई संज्ञान लेगी एकजुट करने के लिए, भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।